अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रिय प्रेक्षक, मैं जानता हूं कि आप मुझे इस तरह देखकर चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकने की जरूरत नहीं है। मायावंशी परिवार आज के प्रसंग में जो आइटम प्रस्तुत करने जा रहा है वो सरप्राइज आइटम है, वो यही तो है। और उस अनोखे शो की शुरुआत होने जा रही है जो मायावंशी परिवार आपके सामने प्रस्तुत करने वाला है। अब आपके सामने आ रहा है मायावंशी फैशन शो।
अरे पापा हाथ तो पकड़ो। क्यों नहीं? अरे तरो जल्दी करो, देर हो रही है। नानका अपने बेटे को मरा मानकर उसका तर्पण कर चुका है। जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा जिंदा है तो कितना खुश होगा मेरा भाई। अर्जुन ही नानका का खोया हुआ बेटा है, ये बात कैसे भी करके मुझे उसे बतानी होगी। पहले भी एक सच छुपाकर उसका दिल बहुत दुखाया है मैंने। किस्मत ने और एक मौका दिया है मुझे उस घाव पर मरहम लगाने का, नानका को उसकी खोई संतान वापस दिलाने का, मेरी भूल सुधारने का। अब नानका को एक पल भी मैं उसके बेटे से दूर नहीं रखूंगी, एक पल भी नहीं। अब खुद बैठोगी या बिठाना पड़ेगा? लाल पधारो पधारो पधारो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देर हो गई नहीं आने में? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ने? क्षमा चाहता हूँ, वो आगे सड़क पर काम चल रहा था इसलिए देर हो गई। वांदो नहीं, वांदो नहीं, आओ पधारो। ये तो क्या कर रहा है? क्या हुआ बहन? कोई भूल हो गई मुझसे? चंपाकली कहाँ है? चंपाकली, चंपाकली! जी बेनबा। ये क्या कर रही है तू? किससे बर्तन साफ करवा रही है तू? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? पता है, पता है ये कौन है? ये अर्जुन है बेनबा। अरे डफोड़, ये केवल अर्जुन नहीं है, इसका इस घर से हम सबसे बहुत बड़ा नाता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। ये नानका का साडू भाई लगता है, इससे काम करवा रही है ये। आइंदा से याद रखना, ये सारे काम तेरे हैं, इसके नहीं, समझी? जी बेंदा। चलो निकल। चलो चलो, सब लोग खाना खाते हैं।
अरे कंजी भाई, बहुत सरस लाग्यो के तमे पधार्या। अरे रसिक सोमिल भाई, आओ ने आओ ने। ये कांजी भाई है, हमारे जमाई राज ने मोटी बहन के बार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी मुझे भी। फोई अच्छा लगा कि तरुफे आप आ गई। ये सब कुछ अधूरा था आपके बगैर, और अच्छा लगा कि कांजी फो आप भी आ गए। अरे साथ में क्यों नहीं आते? धर्मराज और संतू जो गंगोत्री देने गए थे। जय श्री कृष्ण काका, समझ नहीं आता आपको क्या पुकारूं, काका या नंदोई? कुछ भी कह के पुकार लो तुम संतू। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाती। ए, कोई जरूरत नहीं है, मेरा खुद का घर है, मैं देख लूंगी, मैं अपने हाथ से खाना ले लूंगी। ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं, समझी? तरु, लगता है तुम्हारे भाई अभी भी नाराज हैं तुमसे। कांजी भाई, भोजन ग्रहण करो। आपने क्यों तकलीफ की? अरे केवी बात करो छो, पहली बार घर आए हो आप, अने जमाई राज की खातिरदारी करने का फर्ज बनता है ने। माँ खाना खा, खाना खा, चल बैठ। सबके सामने तो मैंने नहीं कहा, लेकिन अब मुझे कैसे भी करके नानका को अर्जुन का सच बताना ही होगा। नानका को अधिकार है कि उसे अपने बेटे का सच पता चले। मालिक, बेनमा को आपने ही बुलाया था और आज आपने उनसे बात नहीं की। ए, अबे मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए जीवन में ने क्या नहीं। नहीं मालिक, वो घर में लगन का माहौल है और आप बेनबा से बात नहीं कर रहे, इसलिए सब दुखी है। तो क्या करूं, घर में सब दुखी है, इसलिए निर्णय बदल दो अपना। बेनबा आप आइए, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। जो मोटी बहन, घर में शुभ प्रसंग है उसका आनंद ले बस, इससे आगे मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे तुझसे बात करनी है क्योंकि बात महत्वपूर्ण है। बोल चूचे। नानका, बात है कि वाले मालिक को परशुराम काका आए हैं, कहते हैं जरूरी काम है, आपने ही बुलाया था। बुलाता हूँ जी, बाद में बात करते हैं। उन्हें जो परशुराम, मैं अपने दिकरे के लगन में व्यस्त हूँ, कारखाना नहीं जा रहा। इसका ये अर्थ नहीं कि कारखाने में क्या हो रहा है मुझको खबर नहीं। मालिक, इतना बड़ा ऑर्डर था, समय पर सारा माल तैयार भी हो गया, एंटवर्प भी पहुंच गया, केवल रसीद आनी बाकी है मालिक। हाँ तो रसीद जब तक हाथ में नहीं आवे ना, तब तक कोई साक्ष्य नहीं होता कि माल पहुँचा कि नहीं पहुँचा। जो एक मारी बात याद रख, जीवन होए के धंधा, जब तक हाथ में सबूत ना होवे ना,
कोई बात पर विश्वास नहीं करता, समझो तू? इसी बात का मुझे डर था। बिना सबूत नानका मेरी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि अर्जुन उसी का बेटा है। सबूत भी तो क्या है मेरे पास, वो लॉकेट और वो औरत भगवती, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं सबूत मेरे पास। एक बार पहले भी नानका अनामिका के कारण धोखा खा चुका है, कहीं इस समय मेरी बात भी उसे धोखा न लगे। नहीं नहीं, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता मुझे, मैं नानका को कुछ नहीं बता पाऊंगी। मौलिक भाई। नमस्ते मालिक। वीरूमल तुम यहाँ? जी मौलिक भाई, बड़े मालिक ने ऑफिस में कमरा बनाने के लिए कहा था, वो तैयार हो गया, मैं बस उसी की चाबी देने आया। अरे वीरूमल, चाबी लेके आ गए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अब तुम जाओ। नाना जी ये चाबियाँ आप, और आपने वीरूमल को इसे भेज क्यों दिया? अरे ऑफिस में धर्मराज ने एक नया कैबिन बनवाया है हिडन के लिए, अब उसका लगन होने जा रहा है, तो भेंट के रूप से वो उसको नया कैबिन देने वाला है, और ये सीक्रेट है। हितेन भाई के लिए ऑफिस में नया कमरा? इसमें अचंभे की क्या बात है, हितेन उनका सगा है ना, अपना खून है। क्यों बोली रहे हो तू? क्यों बोलियो तू? कुछ गलत भी तो नहीं कहा? ये जो तू बोला उसमें तुझे कुछ गलत नहीं लगा, कोई छोटा नहीं लगा? नहीं है? तू जो बोला ने वो भी खोटा ने, जो सोचा वो भी खोटा है। कितनी ऊंची सोच है तेरी। चलो आवे छे तारा भाई। तारो भाई ने जो उसको खबर पड़ी ने तो मेरे को आके बोला कि नहीं पापा, मौलिक को संभालने दो, वो कारखाने में बहुत मेहनत करता है, उसका हक है कारखाने पे। अने तू ने अपने भाई के लिए ऐसा सोचा, जो भाई अपने से अधिक तेरे बारे में सोचता है, ऐसा सोचा तूने कि हितेन मेरा दिख रहा है, इतना माटे मैंने उसके लिए वो कमरा बनाया, तू मेरा दिखरा नहीं है? नहीं मेरा दिखरा सारू थे, सारू थे कि मैंने तुझे ये उत्तरदायित्व नहीं दिया। खबर से केम केम कि तू ये उत्तरदायित्व उठाने के लायक नहीं बनाया जो सुधी। मैं कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक हुआ हूं या नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे पापा, मैं करूंगा, मैं। क्योंकि चाहे सब लोग आपका अन्याय सहते रहे, लेकिन मैं अभी और नहीं सहने वाला। मैं ये बात अच्छी तरीके से समझ गया हूं कि यहां हक मांगने से नहीं छीनने से मिलेगा, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा।
ये चोट कैसे लगी थी? आओ बैठो बैठो, मैं दवाई लगाती हूँ। दवाई का बक्सा कहाँ है? सामने ड्रॉअर में। वैसे तुम भी लहते, पता नहीं किस किस बात में ध्यान देते हो। चोट लगवा ली। चोट हाथ पर नहीं, दिल पर लगी खेमी। क्या बात है दिन, क्यों इतनी परेशान हो? मेरी परेशानी का कारण मौलिक है। समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया, अपने आप को पराया समझने लगा है। मुझसे रुकी बातें कर, मुझसे जो उसे इतना ज्यादा प्यार करता है। खेमी, ये वही मौलिक है जो बचपन में मुझसे हर चीज बांटा करता था, हर चीज बताता था मुझे। हितिन भाई ये प्रॉब्लम होगी, हितिन भाई वो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, उसे एग्जाम में नंबर कम आते थे या उसकी कॉलेज से कंप्लेंट आती थी तो मैं जाता था पप्पा की जगह। झूठ बोलता था कि पप्पा घर पर नहीं है, बाहर गए हुए, और बिना पप्पा के जाने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। पर आज वो मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझता? चिंता मत करो हितिन, सब ठीक हो जाएगा। खेमी, मैं मौलिक को अपने आप से ज्यादा प्यार करता, उसे नहीं खोना चाहता। क्यों नहीं समझता उस बात को? खेमी तुम ही बताओ, क्या किसी को बहुत चाहना गलत है? अपने आप से ज्यादा प्यार करना अपराध? बताओ केमी। डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।